दीपावली की खुशियों को 92 न्यूज ने दोबाला कर दिया। 92 न्यूज के रंगारंग फ्लोट का लाहौर में जगह जगह शानदार इस्तकबाल। मून मार्केट में फूलों की पत्तियां छावर की गई, गुलकारों की परफॉर्मेंस, ढोल की थाप और गिटार की धुनों पर शहरी झूम उठे। बग्घी भी PSL काफिले का हिस्सा, घोड़ों का रक्स शायकीन का खून गरमा रहा है। सुपर फाइनल का सुपर मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी, कौन बनेगा चैंपियन? ग्लैडिएटर्स के सरफराज अहमद बाजी मारेंगे या डेरन सैमी जलमी को जितवाएंगे? शाकिन सनसनीखेज मुकाबला देखने के लिए एक एक मिनट गिनने लगे। दोनों टीमों के बेशतर खिलाड़ी लाहौर में मौजूद, क्वेटा के खिलाड़ियों की कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। बड़ी लीग के बड़े मुकाबले की बड़ी तैयारियां, कजाफी स्टेडियम मेहमानों की मेजबानी के लिए तैयार, लाइट्स और साउंड सिस्टम भी पहुंचा दिए गए। इख्तितामी तकरीब के लिए स्टेज की तैयारी, कल शायकीन के लिए शटल सर्विस चलेगी। टिकट्स की ऑनलाइन सेल जारी, नजम सेठी के मुताबिक 8,000 और 12,000 वाले टिकट दस्तयाब। क्रिकेट का चल रहा है दौर, लाहौरी हैं पुरजोश, अपने फेवरेट स्टार्स का हौसला बढ़ाने लाहौर तैयार है। लाहौर तैयार है तो 92 न्यूज भी तैयार है। कौन सा खिलाड़ी करेगा क्या हिकमत अमली तैयार? खेल में होंगे क्या क्या ड्रामाई अंदाज? कौन सा खिलाड़ी क्या गोर आजमाएगा? 92 न्यूज नाजरीन को सब बताएगा। सुपर कवरेज के लिए मुश्ताक अहमद और उमर अकमल होंगे कल सारा दिन 92 न्यूज के संग। PSL फाइनल में गैर मुल्की खिलाड़ी भी रंग जमाएंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स में 5 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल, जिम्बाब्वे के शॉन एरविन एल्टन, वेस्ट इंडियन जियाद अमृत मुंतखब, बांग्लादेश के इनाम उल हक, जनूबी अफ्रीका के मोर्ने वन वाइक भी शामिल। उमर गुल की जगह एजाज चीमा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे। PSL फाइनल, शेख रशीद रावलपिंडी से लाहौर रवाना। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ट्रेन के जरिए आ रहे हैं, कहते हैं कि ये पाकिस्तान का मैच है, अवाम के इंक्लोजर्स में बैठूंगा। हुक्मरान अपना क्रेडिट खराब कर रहे हैं, आसिफ जरदारी से कहा कि नवाज शरीफ की इंश्योरेंस पॉलिसी मत बने। शाहिद आफरीदी का हाथ जख्मी, जलमी के सपोर्टर्स के दिल जख्मी। बूम बूम दुबई के मैच में कैच पकड़ते हुए हाथ पर चोट लगवा बैठे, कहते हैं अफसोस है, फाइनल नहीं खेल सकूंगा, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है। PSL का जुनून अहमदपुर शर्किया में भी रंग दिखा गया। फाइनल देखने के लिए दुल्हा ने मैच वाले दिन होने वाली अपनी शादी मुलतवी कर दी। काशिफ ने लाहौर में मैच देखने के लिए 12,000 वाला टिकट खरीद लिया। फौजी अदालतों के मामले पर पीपल्स पार्टी की कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस, नून लीग को नहीं बुलाया, PTI और मुत्तहिदा ने बॉयकॉट कर दिया। मेहमानों की पुरतकल्लुफ खानों से तवाजो, आसिफ जरदारी कहते हैं सियासी जमातों को एतमाद में लेने के लिए जमा किया। बिलावल भुट्टो बोले फौजी अदालतों की हिमायत का फैसला मुशावरत के बाद करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी सफीर मेहदी हमदोस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज ईरान के साथ तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखती है। पाकिस्तानी अफवाज दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जीत चुकी। शिमाली वजीरिस्तान जाने वाले बरतानवी सहाफी पेजर ओब्रन कहते हैं वो इलाके जहां हमलों की मंसूबाबंदी हुई थी अब शिद्दत पसंदों से पाक हो गए। उधर इस्लामाबाद से अब्दुल्ला महसूद नामी बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया, कहां से बड़ी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद।
मालम जब्बा में स्की मेला फिर सच किया। सवात की हसीन वादियों में स्की फेस्टिवल ने खूब रौनक लगा दी। तीन रोजा मेले में पैराग्लाइडिंग, प्लेलैंड और म्यूजिक शो का एहतमाम। फूडर्स और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स भी लग गए। और रेत के तूफान सिर्फ जमीन नहीं मरीख की सतह को भी लपेट में ले लेते हैं। नासा ने सुर्ख सयारे पर रेतले तूफान के मनाजिर को पहली बार कैमरे की आंख में महफूज कर लिया।